सिर्फ अपने ही सबूत जो हमारे पास था उसको कलेक्ट कर रहा था, इसलिए दूर था। हाँ, और मैं रिश्ते हैं आप दोनों के? हम लोगों का रिश्ता लिविंग का था, लगभग 2 साल हम लोग साथ में रहे। जब मैंने जब देखा कि उनके साथ में कुछ गलत कर रही हैं वो, तो मैंने ऑब्जेक्ट किया, तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा दिया। मारपीट भी तो किया आपने? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। धर्मांतरण किया आपने? कभी नहीं। नाम छिपाया आपने? कभी नहीं। अच्छा, सारे लोग मुझे मेरे थे क्या? बैंकॉक? बिल्कुल गया था। अच्छा रिलेशन था तब तो गया था बैंकॉक। साथ में थे जी। कब से लिविंग में रह रहे थे? 2021 से। अचानक क्या हो गया रिश्तों में? जब मैंने जो ऑब्जेक्ट करना शुरू किया तो उन्होंने, जैसे वो दारू पीती थी, लड़कों के साथ घूमती थी, इधर उधर मस्ती करती थी, तो वो पसंद नहीं होता था ना, बिल्कुल। इसलिए आपने उसको विरोध किया, ऑब्जेक्ट किया, तो उन्होंने लगा कि अब ये ऑब्जेक्ट करा, बॉम्बे में कोई और लोग मिल गया जो उनको सपोर्ट करता था, तो वो आगे बढ़ गई। तो उन्होंने मुझे बोला, ब्लैकमेल करना शुरू किया, मेरी न्यूड फोटो वायरल कर दी। तो मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि चल ठीक हो गया, मैं तेरे को फंसाती लव जिहाद में। तो उन्होंने केस कर दिया। तो आपने भी तो उसका फोटो वायरल किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया उसका। अच्छा, फोटो वायरल? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सारा उसका। आरोप लग रहा है कि आप लगातार फोटो और वीडियोस के माध्यम से ब्लैकमेल कर रहे थे? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो जांच का विषय है, जांच होगी, सारा सामने आ जाएगा। अच्छा, इसमें गैंगस्टर एंगल भी इन्वॉल्व है? बिल्कुल, सरबजोत सिंह इन्वॉल्व है। क्या ये जो कह रहे हैं कि आप जबरन उसे धर्मांतरण करा रहे थे? कभी नहीं, बिल्कुल गलत है, सारा गलत। क्या उसके पीछे? मुंबई मेरा शहर है, मैं काम करता हूँ मुंबई में। आप फोन करके वैशाली से बुलाए थे, ये भी आरोप लगा है ना? वैशाली कहाँ है उसका घर? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।